हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, ये पार्ट टू वीडियो है जिसमें कि हम आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने पार्ट वन वीडियो अब तक नहीं देखा है उसको जाकर के देख लीजिए, उसमें हम 600 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस किए। दोस्तों, इस वीडियो का सीरीज में हम टोटल 6000 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें दोस्तों शामिल है 60 शिफ्टों का ऑफिशियल आंसर की। दोस्तों, ये एग्जाम हुआ था 2016 का मार्च और अप्रैल का महीना में। दोस्तों, ये 6000 क्वेश्चन का पीडीएफ जिसमें 60 शिफ्टों के ऑफिशियल आंसर की है, इसको दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं। 1600 पेज का ये पीडीएफ है। ओके, इसको इंग्लिश वर्सन में भी डाउनलोड कर सकते हैं और हिंदी वर्जन में भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2019 का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए और भी पीडीएफ हैं। जैसे ग्रुप डी में जो एग्जाम हुआ था उसके 135 शिफ्टों के 13500 क्वेश्चन और साथ साथ एलपी टेक्नीशियन का सारे सवाल, ओके, एलपी एसआई का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों उसी के भी सारे आंसर के आ चुके हैं, कांस्टेबल का भी आ चुके हैं। सबको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके दोस्तों, 1000 करंट अफेयर का पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों अगर आप ऑल इन वन पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। तो इसको दोस्तों अगर आप पढ़ लीजिएगा और एग्जाम देने जाएंगे तो आपको 50% क्वेश्चन आपका एग्जाम का सिर्फ इसी पीडीएफ से ही मिलेंगे। ओके दोस्तों, फटाफट पढ़ना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, इस सबको आप सेपरेटली भी डाउनलोड कर सकते हैं 20-25 रुपया में। अगर ऑल इन वन करेंगे तो आपको 55 रुपया से ज्यादा नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ये 400 एमबी का पीडीएफ है और 8000 से भी ज्यादा पेज है। सब मिलाकर के दोस्तों 25000 से भी ज्यादा एमसीक्यू है। और दोस्तों, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल है। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पहला पेपर है दोस्तों हमारा आरआरबी एनटीपीसी, जो कि 31 मार्च 2016 को हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। ओके दोस्तों, हमारा पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 मैथ का है, a=2b=3c। दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ दो ही डिजिट लेना है यहाँ से। तो a=2b लेते हैं हम, a=2b। ओके, तो a/b क्या होगा दोस्तों, a/b 2/1 हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखिए ऑप्शन को, किस ऑप्शन में ए और बी का रेशियो 2:1 है। दोस्तों, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिए, यही एक ही ऑप्शन है जिसमें कि ए और बी का रेशियो 2:1 है। ध्यान से देखिए, 3:1 = 3, 3:2 = 6। दोस्तों, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसी तरह से अगर आप करेंगे तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल है जो कि क्वेश्चन नंबर 2, रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान 1 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। दोस्तों, किस वर्ष इसको प्रक्षेपित किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2008 को। ओके, 2008 को इसको प्रक्षेपित किया गया था। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। ओके, यानी गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट वीडियो में, यानी पार्ट 3 वीडियो में सिर्फ हम मैथ और रीजनिंग के सवाल डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ हम जीके का सवाल डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैथ क्वेश्चन नंबर 4 मैथ का है, क्वेश्चन नंबर 5 भी मैथ का है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता यानी सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर है। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन बी यानी इंटेलसेट। ओके, इंटेलसेट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जीके का सवाल है, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सुचेता कृपालिनी। ओके, सुचेता कृपालिनी हमारे भारत राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री थी। दोस्तों, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये कौन सा राज्य की मुख्यमंत्री थी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश। ओके, ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, वेब पेज किसका प्रयोग करके बनाए जाते हैं। दोस्तों, वेब पेज को बनाने के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है। ओके, HTML। दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में HTML का फुल फॉर्म पूछा जाता है। HTML का फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और दोस्तों, इस बार का ग्रुप डी में HTTP का भी फुल फॉर्म पूछा गया था, HTTP, इसका फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों, URL का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपके शिफ्ट में पूछा जा सकता है। URL इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल नेक्स्ट सवाल है जो कि रीजनिंग का है, इसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था, यानी प्रथम होम मिनिस्टर हमारे इंडिया के कौन थे, इंडिपेंडेंस इंडिया के। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, जिनका कि अभी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना गया है। दोस्तों, वीडियो में जरूर लाइक करें, हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, उम्मीद करता हूँ जल्दी कर देंगे। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को भी दबाएं दोस्तों, जिससे कि इसका दोस्तों पार्ट 3 वीडियो जब आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में सिर्फ हम मैथ और रीजनिंग के सवाल डिस्कस करेंगे, वो जल्दी आ जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ हम जीके का सवाल डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 14 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ओके इंटरेस्टिंग सवाल है। ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान के कौन से शहर में मार डाला गया? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिलाल शहर में। कौन सा शहर में? बिलाल। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये रीजनिंग का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से सवाल पूछे गए हैं, ओके अलजेब्रा से पूछे गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जीके का सवाल है, एक और दो रुपए के सिक्के किससे बनते हैं? दोस्तों एक और दो रुपए के सिक्के किससे बनते हैं? फेरिटिक स्टेनलेस स्टील, ओके उसका नाम है फेरिटिक स्टेनलेस स्टील, इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ऑप्शन ए याद हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, IMO इसका दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? IMO ऑप्शन सी यानी इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ओके इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में है, ओके लंदन में है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, देखिए दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक से हाई लेवल का सवाल आया है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? दोस्तों मगरमच्छ का बच्चा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, हैचलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैचलिंग। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, जल की बूंदों से क्या होकर इंद्रधनुष बनता है? दोस्तों रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होकर के बनता है, यानी प्रकाश का प्रतिबिंबन एंड अपवर्तन, ये दोनों होकर इंद्रधनुष बनता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, एक से 100 तक गिनती में अंक दो दहाई के स्थान पर कितनी बार आती है? दोस्तों 10 बार आती है, ओके 10 बार आती है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, यदि भरपूर का प्रचुर होता है तो अतिशय का क्या होता है? दोस्तों अतिशय का अत्यधिक होता है, ओके ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह में से संबंधित नहीं है? दोस्तों श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, श्रीलंका हमारा इंडिया को टच नहीं कर रहा है, यानी इंडिया का बाउंड्री को श्रीलंका टच नहीं करता है, लेकिन ये तीनों इंडिया के बाउंड्री को टच किए हैं, तो इसका सही आंसर श्रीलंका हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अमर्त्य सेन ने, ओके अमर्त्य सेन ने। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये अलजेब्रा का है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के बाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है? दोस्तों किसमें किया जाता है इस पद्धति का? इसका सही आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर में, ओके फ्रिज में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, शब्दों के चार जोड़ों नीचे दिए गए हैं तो इनमें से अलग कौन है? दोस्तों ध्यान से देखिए, पारा यानी मर्क्यूरी ये तरल होता है, ओके गन पाउडर दोस्तों ये सॉलिड होता है यानी ठोस होता है, हीलियम दोस्तों एक गैस होता है जो कि एक नोबेल गैस है, ओके तो कर्पूर जो कर्पूर यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों ये ठोस होना चाहिए, ओके तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये सॉलिड होना चाहिए लेकिन यहाँ पे गैस दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मानव शरीर में अग्नाशय यानी पनक्रियाज किसका एक भाग है? दोस्तों पाचन तंत्र का एक भाग है, ओके पाचन तंत्र का एक भाग है। और दोस्तों पनक्रियाज से पनक्रियाटिक अमाइलेज, पनक्रियाटिक लाइपेज और साथ साथ दोस्तों इंसुलिन, ग्लूकागन भी सीक्रेट होते हैं, ओके नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो कि ऑप्शन ए में है, ओके नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले को, ओके गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेनाल फेलर, ओके रेनाल फेलर यानी दोस्तों किडनी में अगर कुछ तकलीफ हो, किडनी में कुछ डिफेक्ट हो तो डायलिसिस किया जाता है। दोस्तों किडनी क्या करता है? हमारा ब्लड को प्यूरीफाई करता है, यानी हमारा रक्त को प्यूरीफाई करता है, वो ये जो डायलिसिस है दोस्तों इस प्रक्रिया से दोस्तों हमारा ब्लड को बाहर निकाला जाता है, उसके बाद वहाँ पे उसको प्यूरीफाई करके फिर अंदर डाला जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दोस्तों एक करंट अफेयर का सवाल है, इसको छोड़ देते हैं। दोस्तों मैंने एक करंट अफेयर का 1000 क्वेश्चन का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है, उसमें जितने भी लेटेस्ट गेम हुए हैं सब कुछ वहीं पे है, ओके उसको पढ़ लीजिएगा, ये तो 2014 का करंट अफेयर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ओके जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किया गया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1982 में किया गया था, ओके एशियाई खेलों का आयोजन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वाशिंगटन, जो कि यूएसए का कैपिटल है, ओके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कैपिटल है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंकों का डैश का नियामक प्राधिकरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा बैंकों का,
ओके आरबीआई दोस्तों बैंकों का नियामक प्राधिकरण है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत में 2015 का राष्ट्रीय एकता दिवस, दोस्तों इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। ओके राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया था, दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 31 अक्टूबर को। ओके 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन। ओके पर्णपाती वन सबसे सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नुस्तर अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप, दोस्तों एक टेलीस्कोप का नाम है। ओके इसकी मदद से किसका गहन सर्वेक्षण किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ओके ब्लैक होल का यानी कृष्ण बीवर का। ओके ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 2018 के फीफा विश्व कप की मेजबानी किसके द्वारा की जाना निश्चित हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी रशिया के द्वारा, जो कि कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों ये सवाल 2016 में पूछा गया था कि 2018 का फीफा विश्व कप कहाँ पे होने वाला है। दोस्तों 2019 में ये भी पूछा जा सकता है कि 2022 में विश्व कप कहाँ पे होने वाला है, फीफा विश्व कप कतर में होने वाला है। ओके और 2000 और महिला विश्व कप, दोस्तों फीफा का महिला विश्व कप ये 2019 में होगा फ्रांस में। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दोस्तों नेक्स्ट सवाल है नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी NFC, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ये किस पर आधारित है। दोस्तों ये कम दूरी के उच्च आवृत्ति के वायरलेस संचार पर आधारित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, दोस्तों नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों कथन को पढ़ लीजिए आप, ओके पढ़िए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। दोस्तों उसी शिफ्ट के सारे सवाल खत्म हो गए जीके के, चलिए और एक शिफ्ट का सवाल देखते हैं, ये हुआ था 16 अप्रैल शिफ्ट 2 यानी सेकंड शिफ्ट का सवाल है। ओके जो कि 2016 में हुआ था। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके हरिहरा वन। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, दोस्तों मैथ में देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे सवाल आए हैं, मैं सबको ट्रिक से आपको बताऊंगा कैसे 10 सेकंड के अंदर सभी को किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित MRP का अर्थ क्या होता है, दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ओके MRP। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 का ए। ओके ज्योति बसु इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री थे 1977 से लेकर के 2000 तक। ओके तो कितने साल हो गए, 23 साल हो गए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दोस्तों नेक्स्ट सवाल है यदि आप फिलीथियो द्वीप में हैं तो किस देश में हैं, दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मालदीव में है। ओके मालदीव का दोस्तों एक द्वीप है फिलीथियो नाम का। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों का पुनःस्थापना है, इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी रिफॉरेस्टेशन। ओके रिफॉरेस्टेशन ऑप्शन सी में है, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर, इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है ये करंट अफेयर का सवाल है, छोड़ देते हैं इसको। दोस्तों नेक्स्ट है फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था, फ्रंटियर गांधी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खान अब्दुल गफर खान। ओके इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से बुलाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दोस्तों नेक्स्ट सवाल है पल्लव वंश के कौन सा राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन 1, जो कि पल्लव वंश के एक राजा थे और ये संस्कृत नाटक लिखा करते थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ओके ये फिजिक्स का सवाल था, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, दोस्तों नेक्स्ट सवाल है किस ग्रह को प्रातः और संध्या तारा कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा वीनस, ऑप्शन बी। ओके शुक्र ग्रह यानी वीनस इसका सही आंसर। दोस्तों एक क्वेश्चन रेलवे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि RBI का गवर्नर कौन है, उसी टाइम में भी पूछा गया था। ओके उसी टाइम में दोस्तों रघुराम राजन थे। ओके और अब कौन है, शशिकांत दास। ओके ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ये शशिकांत दास कितने नंबर के RBI के गवर्नर हैं। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, दोस्तों नेक्स्ट सवाल है इंसीजर कैनाइंस मोलार्स और बोन्स, इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा बोन्स ऑप्शन डी, क्योंकि दोस्तों ये तीनों दांतों के एक एक रूप होते हैं। ओके आपको पता होगा हमारे दांत चार टाइप्स के होते हैं, इंसीजर कैनाइन मोलार्स एंड प्रीमोलार। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दोस्तों नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। देखिए दोस्तों कंप्यूटर से सवाल आ रहा है, सारे शिफ्ट में दो सवाल कंप्यूटर से पूछे जा रहे हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये एक इनपुट डिवाइस है। ओके नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण
किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उस रोबोटिक अंतरिक्ष यान का नाम है जेनेसिस। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था वाटरमैन। ओके, फाउंटेन पेन वाटरमैन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, विश्व का जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति, सबसे बड़ी मूर्ति दोस्तों कहाँ स्थित है? ये मेक्सिको में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, नोट्रे डेम कैथेड्रल ये कहाँ पे स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये पेरिस में स्थित है। ओके, नोट्रे डेम कैथेड्रल कहाँ पे स्थित है? पेरिस में। ओके, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अलुवियल सोयल। ओके, अलुवियल सोयल यानी कछार मिट्टी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कैच मेमोरी क्या होती है? दोस्तों कैच मेमोरी ऑप्शन ए होती है, राम, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, जीके का MMU का विस्तार रूप क्या है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ओके, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट MMU का विस्तार फॉर्म है। ओके दोस्तों, इस शिफ्ट में चार सवाल हो गए, कंप्यूटर से पूछे गए हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर का एक वीडियो आने वाला है जिसमें कि सिर्फ महत्वपूर्ण सवाल डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसके उच्च स्तर से डायबिटीज होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों बल का SI यूनिट पूछा गया है, बल का SI यूनिट क्या है? ऑप्शन बी, न्यूटन। ओके, न्यूटन इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है, वायुमंडल का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मेटेरियोलॉजी। ओके, मेटेरियोलॉजी कहते हैं वायुमंडल का अध्ययन को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों पिस्तौल का आविष्कार किया था सैमुअल कॉल्ट। ओके, सैमुअल कॉल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, फोर्ब्स 2016 की सूची के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर आदमी कौन है? दोस्तों उसी टाइम पे बिल गेट्स थे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम में 2018 में जो लिस्ट जारी किया है फोर्ब्स ने, जेफ बेजस हैं। ओके, वो नंबर वन अमीर हैं वर्ल्ड के, जेफ बेजस, जो कि अमेजन के CEO हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, उनका नाम क्या है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, समीर अंजान, समीर अंजान। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, जैसे फेफड़ा से कौन संबंधित है, वैसे ही हृदय रक्त से संबंधित है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन और फेफड़ा का जैसा संबंध है, हृदय और रक्त का उस तरह संबंध है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वर्तमान दोस्तों विश्व का चेस रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन ए मैग्नस कार्लसन, के अभी भी ये एक नंबर पे हैं। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किस दिवसीय एक दिवसीय क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले प्रथम एकमात्र क्रिकेटर कौन है? रोहित शर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, तार की लंबाई 2 गुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? दोस्तों ये आधी हो जाती है, यानी ये आधी रह जाती है। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, वृषण डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं? दोस्तों ये कहाँ पे होते हैं? टेस्टिस। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, स्क्रोटम यानी अंडकोश की थैली में होते हैं। ओके नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों अंडकोश की थैली में हमारा बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। ओके जो कि स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी इस पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बोन इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल जीके का है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, ग्लूकोज का घोल। ओके जो कि ऑप्शन बी में है। दोस्तों HCl ये बिजली का चालक है, क्योंकि दोस्तों इसमें आयन होते हैं H+Cl- सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों यहाँ पे Na+ और OH- आयन होते हैं, इसलिए ये भी चालक है। एसिटिक एसिड में दोस्तों OH- होता है। ओके इसलिए ये भी चालक है। दोस्तों ग्लूकोज में कुछ नहीं होता है आयन, इसलिए वो चालक नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं है? दोस्तों रिलेटिव डेंसिटी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका कोई ऐसा यूनिट, कुछ भी यूनिट इसका नहीं होता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, आडप का CEO कौन है, ये पूछा गया था? दोस्तों शांतनु नारायण इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आडप कंपनी के CEO हैं। ओके नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल आपके लिए हो सकता है। नेस्कम, ओके नेस्कम का दोस्तों पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, देवजानी घोष। ओके और दोस्तों नेस्कम का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ओके इसके फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हैं देवजानी घोष। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों वैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम इज 3, ऑक्सीजन इज 2, तो केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, ये सवाल पूछा गया था। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा Al2O3। ओके ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है।
निम्नलिखित में से किन स्थायी उत्कों में कोशिकाएं मृत्यु होती है? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। ओके, इनमें दोस्तों सारे सेल, इसके सारे कोशिकाएं डेड होते हैं यानी मृत होते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, हम दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह का शासनकाल में बनाई गई थी? शाहजहां, इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, इनके शासनकाल में ये बनाई गई थी। ओके, ताजमहल भी बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? किसे मापने के लिए किया जाता है? एटॉमिक साइज यानी पारमाणिक आकार, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन टू में है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, पावर की फॉर्मूला क्या है? ओके, शक्ति का सूत्र क्या है, सवाल पूछा गया था। कार्य डिवाइडेड बाय समय, इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है जीके का, ये भी साइंस का है। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ओके, गतिज ऊर्जा, इसका सही आंसर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इसे कहते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, वनस्पति भागों या बीज का बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना को क्या कहा जाता है? दोस्तों टिश्यू कल्चर कहा जाता है। ओके, जो कि ऑप्शन बी में है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इंडीज पर्वत श्रृंखला एक किस महाद्वीप में स्थित है? ओके, आंडीज माउंटेन रेंज, ये कहाँ पे स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका में ये स्थित है। ओके, नेक्स्ट सवाल दोस्तों, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये भी साइंस का। दोस्तों सवाल को ध्यान से देखिए, उस शहर का नाम क्या है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? ओके, इसे 1914 में शुरू किया गया था, इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा व्हाइट सी शहर। ओके, यानी व्हाइट सी नहर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी उसे कहते हैं। ओके, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में तत्वों में से कौन सा बहु परमाणिक होता है? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा सल्फर। ओके, आठ सल्फर मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनते हैं। ओके, S8 उसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, इनमें से कौन आधार वर्धनीय नहीं है यानी मेलेबल कौन नहीं है? ग्राफाइट, इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट पूछा गया है। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। ओके, और जूल्स क्या किसका होता है? वाट्स का होता है। और पावर का दोस्तों वाट होता है, और चार्ज का दोस्तों कूलम होता है। ओके, नेक्स्ट सवाल, न्यूलैंड्स की तालिका में, ओके, न्यूलैंड्स का टेबल में किसको हैलोजन के साथ रखा गया था गलती से? दोस्तों किसको रखा गया था? कॉपर और निकल को। ओके, माफ करना, कोबाल्ट और निकल को, कोबाल्ट और निकल को हैलोजन के साथ रखा गया था, जो कि न्यूलैंड्स टेबल का एक ड्रॉबैक है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, कंगारू मार्सुपियल्स का एक उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट सवाल लिखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट सवाल है जीके से, ये है, ओके, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खोखली पिंड है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि कॉमेट। ओके, एक दोस्तों सुने होंगे कॉमेट का नाम, हेली कॉमेट। ओके, वो 76 साल में एक बार आता है। वो सब दोस्तों बर्फ और धूल से बने होते हैं। ओके, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ओके, इसका जो उद्गम स्थल तिब्बत में है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ऑप्शन सी में है ट्रांसपेरेंट। ओके, और दोस्तों जिससे पारित नहीं हो सकता उसको उसको ओपेक कहते हैं। ओके, अगर आधा आधा पारित होगा तो उसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है जीके से, न्यूक्लियस में कौन परमाणु क्रमांक को दर्शाता है? प्रोटॉन। ओके दोस्तों, न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उसी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक उतना होता है। जैसे दोस्तों सोडियम का, सोडियम का जो न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। ओके दोस्तों, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? दोस्तों मकड़ियों यानी स्पाइडर में कितनी आंखें होती है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 4। ओके दोस्तों, किसका कितने आंखें होती हैं इसको भी पढ़ करके जाइएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर है? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, जयपुर फ्रूट एक कृत्रिम पैर है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फॉस्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों के पारिस्थितिक तंत्र की संपन्नता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन। ओके, इस सवाल को एक बार पढ़ लीजिए आप खुद, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ।
ओके, इसको पढ़ लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो सर नेक्स्ट सवाल है, इसको समझना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 10 पिन बाउलिंग खेल में अधिकतम कितना स्कोर प्राप्त किया जा सकता है? इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन सी, 300 रन प्राप्त किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन में औपचारिक घोषणा कब की गई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905 को की गई थी। ओके, स्वदेशी आंदोलन का। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हरिश्मा बाबू किस माफ करना, ये रीजनिंग का सवाल है, ICC के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? दोस्तों उसी टाइम पे ऑप्शन ए यानी जहीर अब्बास थे, लेकिन अभी कौन है? दोस्तों ICC के प्रेसिडेंट वर्तमान टाइम पे हैं शशांक मनोहर, और दोस्तों ICC के अभी CEO कौन है? मनु सोने। ओके, मनु सोने, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, इस शिफ्ट के सवाल कंप्लीट हो गए। चलिए और एक शिफ्ट के सवाल देखते हैं जो कि 16 अप्रैल 3rd शिफ्ट के सवाल हैं। ओके, पहला सवाल है दोस्तों, कर यानी टैक्स की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रयोग के लिए उपलब्ध आय कहते हैं। ओके, ऑप्शन ए इकोनॉमिक्स का सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, लाइक क्योर लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, कौन किया था? ऑप्शन बी सैमुअल हानेमैन। ओके, सैमुअल हानेमैन ने इस सिद्धांत का प्रस्तुत किया था। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न हुआ है हमारा ग्रह धरती का नाम। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल, एबीओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल लैंडस्टर्नर ने किया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर मंदिर कौन सा है? ओके, संगमरमर मंदिर दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर को संगमरमर मंदिर कहते हैं। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी है? सल्ट का मात्रा दोस्तों हमारे शरीर में कितना है? ऑप्शन सी यानी 0.4% हमारे बॉडी में सल्ट का मात्रा है, 0.4 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, पारंपरिक थर्मोमीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला है का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी को इस्तेमाल किया जाता है जिसको कि पारद कहते हैं। ओके, ये अत्यंत जहरीला है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन का उदाहरण है। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल रखते हैं, हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा की सदस्यता का धारक। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है? दोस्तों ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन सी न्यू डेवलपमेंट बैंक। ओके, न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम दिया गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्रेडरिक टेलर ने। किसने? फ्रेडरिक टेलर ने। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, महाराष्ट्र के किस शहर में प्रस्तावित एम्स स्थापित किया जाने वाला है? ऑप्शन ए नागपुर में। ओके, नागपुर में महाराष्ट्र का एम्स स्थापित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 2012 को किया गया था। ओके, आम आदमी पार्टी। ओके, उसके चीफ कौन है? अरविंद केजरीवाल। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पूर्व चोला राजाओं में से किसे महान माना जाता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, करिकला। ओके, उस राजा का नाम है करिकला। दोस्तों नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? दोस्तों एक किस वंश की राजधानी थी? सिसोदिया। ओके, सिसोदिया वंश की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों जीके का, वर्ष 1980 में अखिल इंग्लैंड चैंपियनशिप में सर्वप्रथम किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता था? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सैयद मोदी। ऑप्शन सी सैयद मोदी। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में TCP का विस्तार रूप क्या है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6.5 है तो इसका प्रसरण क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 42.25। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, फ्री स्टाइल ये शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, तैराकी खेल से ये जुड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट सवाल है, करंट अफेयर का छोड़ देते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसका निर्माण प्राचीन इनकास द्वारा किया गया था? ऑप्शन सी माचू पिचू। ओके, इसका निर्माण इनकास द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट वाले, तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड, ओके, तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड का विशेषता क्या है? ऑप्शन बी, इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है, ओके, इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से 1976 वर्ष में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? चलिए इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी दोस्तों क्रे वन इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ओके नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने बनाई थी? इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डालहौसी ने। ओके नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? उसमें प्लूटो का जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए, ओके, चारोन है। क्या है? चारोन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्र का मैनग्रोव के तहत है? ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, इसका सही आंसर हो जाएगा, ओके, क्योंकि वहाँ पे सुंदरबन है, आपको पता होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चिलियन वाला युद्ध, ओके, चिलियन वाला युद्ध कब लड़ा गया था? ओके डिफिकल्ट सवाल है ये, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ओके, 1849 में ये लड़ा गया था, किसके बीच में लड़ा गया था बताना, ओके। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है सिंगापुर का पुराना नाम क्या था? सिंगापुर का दोस्तों पुराना नाम टेमासेक था, ओके, टेमासेक इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ओके नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाते हैं? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, डिपोजिशन। ओके उस प्रक्रिया का नाम है डिपोजिशन, जिससे कि दोस्तों गैस सीधे ठोस में यानी गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोस्तों मदुरई शहर किस नदी के किनारे है? मदुरई शहर दोस्तों ये ऑप्शन सी, बैगे शहर ये जो बैगे नदी के किनारे है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और नेक्स्ट ट्विटर किसने संस्थापित किया था? ओके ट्विटर की स्थापना किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, नोहा आर्क ने किया था ट्विटर की स्थापना। ओके नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है इनमें से कौन अलग है? ओके रुपया लीरा सिक्का दिनार, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तीनों करेंसी का नाम है लेकिन सिक्का किसी का करेंसी का नाम नहीं है। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कार रेसिंग ड्राइवर माइकल सुमेकर किस देश के निवासी हैं? ऑप्शन बी यानी जर्मनी इसका सही आंसर हो जाएगा, एक काफ़ी फेमस कार रेसर ड्राइवर हैं। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का श्रेणी है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, परम। ओके परम सुपर कंप्यूटर से सवाल ज़्यादा आ रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, BCG, ओके बेसिलस कालमेटे वेरिन इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चरण सिंह। ओके चरण सिंह को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है। ओके नेक्स्ट सवाल देखते हैं, माफ करना दोस्तों ऑप्शन बी सॉरी ओके मोरारजी देसाई को मिला है, मोरारजी देसाई इसका सही आंसर हो जाएगा, ओके ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन सी हेनरी बैकरेल ने किया था, इनको फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? दोस्तों विटामिन ए का अच्छा स्रोत है गाजर। ओके गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल, किससे लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है? दोस्तों उस यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसको ए से डिनोट किया जाता है। ओके नेक्स्ट सवाल देखते हैं,